बिजनेस लीडर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भोपाल से। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में वैध की गई अनाधिकृत कॉलोनियों के रहवासियों को भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र का मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में दिसंबर 2022 तक सारी अनाधिकृत कॉलोनियां वैध की जाती हैं। पहले वर्ष 2016 तक निर्मित कॉलोनियों को वैध करने का निर्णय हुआ था, जिसे संशोधित कर वर्ष 2022। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि वैध की जा रही इन कॉलोनियों के रहवासियों से विकास शुल्क भी नहीं वसूला जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कॉलोनियों में बिजली, पानी, सड़क, नाली समेत सभी विकास के कार्य प्रारंभ करने के मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में नवगठित निवाड़ी जिले के लिए पदों के सृजन एवं संविधान नियुक्ति नियम 2017 के नियम में संशोधन को स्वीकृति। सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत हवाई जहाज द्वारा इंदौर से शिरडी जा रहे आगर मालवा के 32 तीर्थ यात्रियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर शुभकामनाएं दी। अपने प्रतिदिन पौधरोपण के संकल्प कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने श्यामलाल सिंह उद्यान में इमली, अमरूद और जामुन के पौधे लगाए। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल से आज राजभवन में स्पेशल ओलंपिक के अध्यक्ष श्री तपन भौमिक के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य भेंट कर चर्चा की। मंत्री श्री ओम प्रकाश सक्लेचा ने भोपाल में गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन सेंटर का लोकार्पण किया एवं समारोह। मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में इंक्यूबेशन सेंटर, संबद्धता शुल्क, एक रूपता, निर्माण कार्यों और अन्य विषयों पर चर्चा की। मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत आज आगर मालवा के 32 बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को इंदौर एयरपोर्ट से हवाई यात्रा से शिरडी के लिए रवाना किया।